आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में कांग्रेसी नेता की बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जहां एक्सीडेंट के दौरान दो लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद मरीज सचिन झारिया एवं माधुरी झारिया को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वासुदेव उटिया ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बस सड़क मार्ग पर अपनी साइड में जा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार बस के सामने आ गए, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया है एवं दोनों घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं एक्सीडेंट की दूसरी घटना चंदिया थाना क्षेत्र के कोड़िया मार्ग में हुई है, जहां स्थानीय निवासी पति पत्नी सड़क मार्ग पर अपनी बीमार बहन का हालचाल जानने के लिए पैदल जा रहे थे, उसी दौरान बाइक सवार चालक ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए एवं दोनों घायल पति पत्नी छोटे लाल कोल एवं उनकी पत्नी प्रमीला बाई कोल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया और उपचार जारी है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों यातायात नियमों का पालन न करने के कारण सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हॉस्पिटल गया था, पता चला कि बस से कोई दो लोग घायल हो चुके हैं, हॉस्पिटल ही लाया गया उनको और सब बाहर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जानकारी मिली उसके लिए पता चल रहा है कि बस किसी कांग्रेसी नेता की है क्या। हमें एक दो मास देखा जा रहा है कि आए दिन घटनाएं बढ़ती गई। मैं अस्पताल आया था तो मेरे को वहाँ से जानकारी मिली कि किसी कांग्रेसी नेता की बस के द्वारा दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसे उमरिया हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में देखने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है और उन्होंने उसको आगे की अस्पताल के लिए कि आप कटनी या जबलपुर ले जाइए और रेफर कर दिया। कि घटनाएं उमरिया में बहुत हो रही हैं, आए दिन ये सुनने में आ रहा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप लोग सब कोई वाहन चलाने वाले यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो और लोगों की जान। आज भी उमरिया में घटना सुनने को आई है कि एक बस और मोटरसाइकिल से भिड़ गई है और जो मोटरसाइकिल युवक थे जो लोग चला रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें उमरिया अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हो सकता है कि उन्हें भी हायर सेंटर को रेफर किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ये मांग करना चाहता हूं कि यातायात विभाग के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, आरटीओ है, जो भी परिवहन अधिकारी है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। जो साप्ताहिक पहले यातायात सुरक्षा के लिए कार्य किए जा रहे थे, इस समय शायद वो ढीले पड़ गए। युवाओं को बस ड्राइवर हों, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हों, चाहे मोटरसाइकिल लोग हों, इन्हें रोक रोक करके भी इन्हें जागरूक किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर तेज गति से गाड़ी चला रहा है तो उसे पनिश करने से अच्छा है कि उसे रोक कर समझाए। अस्पताल में गया था तो वहाँ देखा कि एक बस की टक्कर से दो लोग घायल हुए हैं, गंभीर अवस्था में है, उन्हें हॉस्पिटल के लिए रिफर कर दिया गया है। बस नेता की बताई जा रही है जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और क्या कार्रवाई हुई इसकी विशेष जानकारी अभी नहीं चल पाई। जिला मुख्यालय के आसपास और मेन रोड पे जगह जगह एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे अनायास लोगों की मौत के गाल में समाना पड़ता है। उसके लिए प्रशासन से आग्रह है कि थोड़ा गाड़ी के वाहन की स्पीड में नियंत्रण करने के साथ साथ फौरी तौर पर ऐसी व्यवस्था हो कि दुर्घटनाएं कम हों। बाद में उसको मैं उठा के रखने लगा, तब तक मैं वो टू व्हीलर वाला भाग दिया, इसी तरफ वापस लौट के आ गया। फिर घर वालों को फोन उन लगाया तो फिर गाड़ी वाड़ी मंगवाया तो उसमें से फिर लेकर के यहाँ मर गया। पूरी टोला के रहने वाले हैं, छोटे लाल मेरा नाम है और मेरी पत्नी का परमिला बाई नाम है। हम दोनों जा रहे थे, मरीज सचिन धारिया और मरीज माधुरी झारिया, पिता प्रीतमलाल झारिया को सड़क दुर्घटना के पश्चात जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया, जहां युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर। और बस ये जो बस और मोटरसाइकिल से हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में मोटरसाइकिल आ रही थी और ड्राइवर आदमी जो है ना बहुत तेजी से गाड़ी को चला रहा था, बस अपने सही रास्ते में जा रहा था, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी जो है ना बस जो है पटरी से रोड से बाहर आ गई, उसको टेबल पोजीशन में वो भी अच्छी से तो वो साइड से वो सब टकरा गया। बाइक थी
बस का काम कराने के लिए जा रही थी बाहर, वो सही डायरेक्शन में जा रही थी गाड़ी, सही रास्ते में चल रही थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले बड़े तेजी से आ रहा था, जाकर बस से